कालाढूंगी के राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में बीएससी कृषि की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि मंगलवार सुबह ब्लॉक मुख्यालय में एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ता पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र इस मांग को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाए और शासन स्तर पर जो बीएससी कृषि की फाइल अटकी हुई है उसे तत्काल रूप से स्वीकृत किया जाए। मंगलवार के दिन धरना प्रदर्शन को पूर्व विधायक प्रतिनिधि कृपाल बिष्ट और पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र चौधरी ने खुला समर्थन दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कई समय से क्षेत्रीय जनता द्वारा लगातार बीएससी कृषि की मांग की जाती रही है, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार घोषणाओं के बावजूद इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। कालाढूंगी से मुकेश हिमवाल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुछ समय पूर्व खंडीय विकास अधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें रांची महाविद्यालय कोटाबाग में कृषि विषय की संचालन की मांग की गई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज ब्लॉक मुख्यालय कोटाबाग में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर शुरू किया गया है, जिनमें हमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और जल्द से जल्द अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा भूख हड़ताल को बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सभी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में कृषि विषय को लेकर बहुत समय पहले से मांग रही है, जिसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा, छात्रों द्वारा बहुत सारे लेटर जो है आगे भेजे गए हैं। उस लेटरों में सिर्फ एक खानापूर्ति हुई है कि कृषि विषय आ रहा है, लेकिन अब एबीवीपी जिसके जो कार्यकर्ता हैं ब्लॉक मुख्यालय में बैठे हुए हैं, अगर हमारी ये मांग 3 दिन के भीतर पूरी नहीं होती तो कार्यकर्ता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।